पर सलामी के बल्लेबाज गए हैं साकिब और नवीद। साकिब और नवीद ये पुरार के दोनों बच्चे हैं, इस वक्त यहां पर खेलने उतरे, लेकिन उनके सामने फलक 11, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी। YouTube के माध्यम से जो लोग यहां पर हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए बता दूं, जो देर से आए हैं उनके जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले अभी जो मैच हुआ था NRA गोरेगांव और समीर 11, वहां पर NRA मैच हार चुकी है, समीर 11 वहां पर वो मैच जीत चुका है। कांग्रेचुलेशन समीर 11, हार्ड लग वहां पर NRA। ये दूसरा मैच आज के दिन का 4-4 ओवर का मैच रहेगा, एक ओवर पावर प्ले का रहेगा, और यहां पर दोनों टीमें मध्य मुकाबिल जो है वो एक फलक 11 गोरेगांव और दूसरी जो है साकिब 11 जी मोहम्मद सईद करदेकर। दुर्दैवाने कोविड महामारी मध्ये यांचं देखील दुर्दैवी निधन झालं आणि गोरेगावला आम्हाला एक चांगलं व्यक्तिमत्व दुर्दैवाने गमवावे लागलं, त्यांच्याही आत्म्याला शांती मिळो अशी भावपूर्ण श्रद्धांजली मी आयोजकांच्या वतीने या ठिकाणी नम्र भावनेने व्यक्त करतो। कोविडच्या महामारीत महासंकटात ज्या ज्यांचे प्राण निष्पाप जीव गेले त्या सर्वांना आम्ही भावपूर्ण श्रद्धांजली या ठिकाणी व्यक्त करतो। फैज भाई कंटिन्यू। ओके थैंक यू। मैच शुरू होने जा रहा है, हम चल रहे हैं मैच की तरफ। शाहीन क्रिकेट क्लब गोरेगांव ने जो नाइट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, मैं आपके सामने फैज सर को लेकर आ रहा हूं। सीधा प्रसारण इस मैच का, राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद, अच्छी गेंद ऑन द टारगेट पे की हुई गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी, खेलना चाहते थे उसको, लेकिन टाइमिंग मिस कर बैठे, बोल्ड आउट बैक टू द पवेलियन। गेंदबाजी हुई वहां पर, यॉर्कर टाइप की थी, समझ नहीं पाए बल्लेबाज और अपना कीमती वक्त विकेट गंवा कर वापस आ रहे हैं। बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी उनको टीम की, जगह इफ्तिताही बल्लेबाज जब भी जाता है तो ये कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छे जो स्ट्रोक खेले और अपनी टीम के लिए रन बटोरे, लेकिन क्रिकेट में कुछ कह नहीं सकते। गेंदबाजी बहुत अच्छी हो गई थी, तो अच्छी गेंद थी, यॉर्कर हो गया, टाइमिंग मिस हो गई, बल्ला निकला और मिस हो गया और हिट हो गया। नेहल है बॉलर, यहाँ पर जो हमारे पास अतिरिक्त खिलाड़ी है उनके हिसाब से नेहल बॉलर है। नेहल शौकत, शौकत नाम बताए बॉलर का, ये निहाल ना, राइट आर्म ओवर द विकेट। नेहल गेंदबाजी करते हुए, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, साजिद ने उसके हल्के हाथों से खेला, खेलते ही अपना खाता खोला, यहां पर ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, जैसे ही देखा कि थोड़ी सी गेंद स्टेयर हो रही, बाहर जा रही, अपने आप को स्टेयर किया, अपनी पोजीशन में किया, ओरिजिनल बैट से उसको खेला एक रन के लिए, ऐसे एक रन के साथ खाता खोला यहाँ पर पूरा, सॉरी साकिब 11, साकिब 11 का अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, इतना आसान नहीं है जिस तरह से बैट को वहां पर लहराया था, क्योंकि बैट पर बॉल आना अनिवार्य है वहां पर, अन्यथा आपको रन नहीं मिल सकते वहां पर, जिस तरह का यहां पर खेल खेला जा रहा है। अच्छी टीम है, बढ़िया टीम है दोनों टीमें, लेकिन फलक 11 बहुत बढ़िया टीम, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, हम किसी से कम नहीं। अगेन अच्छी गेंद ऑन द टारगेट फेंकी हुई गेंद थी, उसको खेलना चाहते थे, खेला जरूर, जबकि मिडऑफ का फील्डर आकर फील्ड करके थ्रो कर रहा था, दोनों ने बहुत ही पुराने मान के साथ अपने अपने छोर बदल लिए। इसी के साथ साकिब 11 का स्कोर हुआ 2, दोनों खिलाड़ी अपने वैयक्तिक तो स्कोर 1-1 पर खेल रहे हैं। साजिद और शेखर षटकोर पे कृपया अपन व्यासपीठाकडे यायचं आहे, महाड मध्ये ज्यांनी सरपंच चषकाचं आयोजन केलं आहे ते आमचे स्नेही शेखर षटकोर पे यांना विनंती आहे की त्यांनी कृपया व्यासपीठाकडे यायचं आहे। क्या गेंदबाजी हो रही है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, साजिद उसको लपेटना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो सका वहां पर, क्योंकि गेंद तेजी के साथ चली गई थी, गेंद के लाइन में भी नहीं, शरीर से दूर से खेल रहे थे। आप शरीर से दूर से खेलेंगे तो यही परिणाम होगा, वो तुक्का लग जाता है, कभी बैट पर आ जाती है वो अलग विषय। राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ना शुरू हुआ वहां पर, अच्छी गेंद और बैक टू द बॉलर खेला वहां पर, मिड ऑफ का फील्डर फिर से एक मरतबा वहां पर एक्शन में नजर आएगा, लेकिन हल्की सी मिसफील्ड का कोई फायदा नहीं उठा, क्योंकि पहला ही रन धीमा लिया था तो दूसरे रन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर 2 रन आपको लेना है तो पहला रन तेजी से लेना पड़ेगा, जब जाकर आप दूसरे रन में उसे कन्वर्ट कर सकते। क्रिकेट की भाषा, क्रिकेट की लैंग्वेज को समझना जरूरी है, जब तक आप क्रिकेट को नहीं समझेंगे आप उस तरह से आप नहीं खेल सकते, आप अपने मन से क्रिकेट को नहीं खेल सकते, क्योंकि क्रिकेट एक सोची समझी और प्लानिंग के साथ खेली जाने वाली खेल है, उसको उसी के साथ वहां पर खेलना चाहिए। Yeah,
तो फिर से एक बार तब यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर बॉलिंग, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, और इस पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर अगर देखा जाए तो ये मुझे कल वो मोहतसिम की ओर याद आ रही है। वो कल मोहतसिम ने कल रात में जिस तरह से गेंदबाजी की थी वो याद आ रही है। और अब गेंदबाज है नवाज, नवाज रायगढ़ का टाइगर जिसे कहा जाता है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, बेहतरीन खिलाड़ी है, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। मुस्तकीम भी शायद इस टीम में है, हाँ वो भी है, बहुत अच्छी टीम है। तेलंगाना में जो टूर्नामेंट हुई थी वहां पर मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड हासिल किया था नवाज खान ने। राइट आर्म ओवर द विकेट, काफी लंबा रन अप, दौड़ना शुरू किया वहां पर और इस गेंद को उठाकर खेला यहां पर जरूर, लेकिन गेंद के नीचे फील्डर और इस तरह से साजिद का इनिंग का खात्मा होता हुआ दूसरा विकेट चला गया 3 रन पर। स्थिति बहुत ही गंभीर और तो इस तरह से इरफान जा रहे खेलने के लिए, लेकिन यहां पर साकिब इलेवन की हालत खराब से खराब होती हुई, क्योंकि उनके सामने एक दिग्गज गेंदबाज है, दिग्गज बल्लेबाज है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है ये नवाज खान, जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड हाल ही में हासिल किया था। बहुत ही नफीतुली गेंदबाजी करते, अच्छी रिदम के साथ गेंदबाजी करते, चाहे कि नहीं क्रिकेट भी ऐसे गेंदबाजों को, ऐसे बल्लेबाजों को देखने के दूर दूर से आते, उनको मालूम है आज ओपन के राउंड है, आज बाहर से प्लेयर आएंगे, एक से बढ़कर एक प्लेयर यहां पर आएंगे, एक से बढ़कर एक प्लेयर को आप खेलते हुए देखेंगे, अंत में किसका भला होता है, कौन जाएगा वो अलग चीज है, कौन सी टीम फाइनल रहेगी वो अलग चीज है, लेकिन बहुत से खिलाड़ी आज की रात में आप यहां पर शाइन क्रिकेट क्लब के ग्राउंड पर सरपंच दशक 2022 में खेलते हुए देखेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ना शुरू किया वहां पर, एक गेंद अच्छी गेंद, उसका ढकेलना चाहते, ढकेला, अच्छा गैप ढूंढ निकाला, निश्चित रूप से गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाएंगी 6 रन के लिए। वेल, अच्छी कोशिश, बहुत बढ़िया कोशिश, 6 रनों के लिए गैप ढूंढ निकाला वहां पर। ये अच्छे खिलाड़ी की जो है बल्लेबाज की निशानी, उन्होंने परखा गेंद को, अपने आप को बिल्कुल पोजीशन में लिया और अपने बल्ले को उन्होंने एक दिशा दी और 4 रन मिली, बट कीमती रन बटोरे। इस मरतमा ऊंची हवा में गेंद है लेकिन लो मैन्स लैंड की तरफ जाती है, तेजी से आए वहां पर खिलाड़ी, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोकेंगे और 1 रन से स्कोर बढ़कर हो गया है, स्कोर हुआ है यहाँ पर 8। लेकिन जिस तरह के नवाज खान एक गेंदबाज है जिनके पास एक लंबा, हालांकि एक रूम मिला था वहां पर, जरूर रूम दिया था लेकिन उसका सही फायदा हुआ था, इरफान ने वहां पर चतुराई के साथ उसको इनको खेला, लेकिन जिस तरह का अटैकिंग गेंदबाज है ये, राइट आर्म ओवर द विकेट, अगेन लेग के सामने छोटी हुई गेंद, काफी तेजी के साथ गेंद गई थी, इतनी तेज तर्रार गेंद थी, इतना आसान भी नहीं था इसको खेलना, इस बार बहुत तेजी के साथ फेंकी थी, अंपायर ने उसे वाइड घोषित किया है, लेकिन इस तरह से 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 9 रन, लेकिन बहुत ही तेज तर्रार गेंद थी, इतना आसान भी नहीं होता। शेखर जी कोरपे आणि अप्पा साहेब दुमाल ह्या दोघांचं या ठिकाणी आगमन झालंय, मी सरपंच झुबेर भाई अब्बासी यांना विनंती करतो की त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन यांचं स्वागत करावं, याच्यानंतर शुक्रवारी ज्या महाड मध्ये गाव टू गाव टूर्नामेंट होणार आहेत नाईटच्या, त्यांचे आयोजक आहेत आणि खास ते शाहीनने आयोजित केलेल्या प्रकाश झोतातील सामने या ठिकाणी बघायला आलेत, मी त्यांचं शाहीन क्रिकेट क्लब आणि गोरेगावच्या वतीने या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करतो। पुन्हा एकदा मी नावं घेतो, शेखर शेठ कोरपे आणि अप्पा धुमाळ या दोघांचंही या मंचावरती मी स्वागत करतो। फैज भाई कंटिन्यू। राईट आर्म ओवर द विकेट, गेंद अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद थी और इस गेंद को लपेटना चाहते, गेंद बैट पर आए, गेंद के लाइन में भी नहीं आए, वहां पर खड़े खड़े वर्टिकल बैट से इसको खेलना चाहते थे और ऐसी गेंदों को आप जब तक के करीब से नहीं आए आप खेल नहीं सकते, क्योंकि गेंद की लंबाई आप देखिए कितनी सुंदर लंबाई थी वहां पर, बहुत अचूक लंबाई की गेंद थी और इस तरह से इस गेंद पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए नवाज खान जो कि क्रिकेट का एक बड़ा ऊंचा नाम है, राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद थी, फ्रंट फुट पर निकल के स्टेप आउट किया वहां पर, खेला जरूर वहां पर ऑफ साइड में, जबकि ऑफ साइड से वहां पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री से फील्डर आकर थ्रो कर, दोनों ने बहुत ही पुराने मान के साथ अपने अपने छोर बदल लिए थे 1 रन के लिए, 1 रन के साथ स्कोर 2 अंकों में डबल फिगर में पहुंचता हुआ 11 रन। यहाँ इबाद अभी मेरे साथ यहाँ पर स्कोरिंग का काम अंजाम दे, लगातार 4 रातों से हम लोग देख रहे थे, यहाँ पर शौकत ने अच्छा काम किया स्कोरिंग का, उसके बाद निहाल घोटेकर और मुनव्वर जिन्होंने तो कल पूरी रात काम किया, यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे थे और भी आज यहाँ पर मेरे साथ इबाद है, तो ये अच्छा खिलाड़ी और अच्छा कोई भी चीज़ जब बनती है उसके पीछे उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी कोशिशें, वो उस चीज़ को हासिल करने की जद्दोजहद, ये सारी चीज़ें भी है माने रखते, अपने आप को उतना वक्त देना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्रिकेट भी जो है वो प्रैक्टिस, जैसा कहा जाता है अक्सर कि
प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप मश करेंगे आपका जो है एतमाद जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बहुत अच्छी तरीके से कोई भी चीज़ को कर सकते हैं। अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए या अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए किसी भी अच्छी चीज़ के लिए आपकी मेहनत आपका वक्त बहुत ही ज़रूरी होता है उसे देने के लिए। थैंक यू, सही कहा आपने, बिल्कुल मेहनत और लगन के बगैर कोई चीज़ होती नहीं। सीखना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जब जाकर आपका नाम रोशन होता है। राउंड द विकेट विजय, गेंदबाज है विजय, राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहा है विजय, सॉरी लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फिर से एक मरतबा इसको खेला है कवर के क्षेत्र में, जब तक वहां से फील करके थ्रो करते आराम के साथ सुकून के साथ इत्मीनान के साथ अपने अपने छोर बदले। लेकिन स्थिति इस वक्त जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, साकिब एलेवन जिस स्थिति के साथ जिस रन गति के साथ जा रहे वो पोजिशन इनकी बिल्कुल अच्छी नहीं है। बिल्कुल जरूर बोल रहे हैं, वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि महदूद ओवर में आपको जो है बहुत ज्यादा जारहाना जो है वो रूप अपनाना पड़ता है। अगर आपके बल्लेबाज उसके काबिल है या उनका उस तरीके से वो खेलते हैं, अगर उन्होंने मश की है तो वो जो है अपने टीम के लिए बड़ा स्कोर बटोरते हैं। लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी बहुत ही अच्छी हो रही है, नपीतुली गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर। थैंक यू, और फिर से एक बार तब हम ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं। मैच थोड़ा सा धीमा जरूर जा रहा है, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट कुछ भी हो सकता है। ये साकिब एलेवन के जितने भी बच्चे हैं ये जो खेल रहे हैं, तमाम पुरार के बच्चे हैं इस वक्त यहाँ पर खेल रहे हैं, लेकिन हौसला जज्बा है, खेलेंगे, नाइट टूर्नामेंट खेलेंगे, बड़ी टीम के सामने खेलेंगे, जद्दोजहद करेंगे, और यही जद्दोजहद यही आपका जज्बा आपको आगे लेकर जा सकती है। ये अच्छी सोच है, इसमें सोच में कोई दोराय नहीं है, यहाँ पर सोच बड़ी होनी चाहिए। आप बड़ी सोच रखेंगे आप आगे बढ़ सकते हैं। राइट आर्म राउंड विकेट, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाज विजय, और इस बार यहाँ पर खेला जरूर साकिब ने, लेकिन उतना टाइमिंग इतना अच्छा तो नहीं था वहाँ पर, क्योंकि गेंद बैट के ऊपर चढ़ गई थी, वहाँ पर ऊपर चढ़ गई थी, और जिसकी वजह से शॉट जहाँ पर खेलना चाहते थे हम उस क्षेत्र में तो जरूर खेला वहाँ पर, लेकिन गेंद सही बैट पर वहाँ पर आई नहीं, जिसकी वजह से वहाँ पर लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी आता फील करके थ्रो करता, दोनों ने अपने अपने छोर बदल लेते। स्कोर 2 अंकों में डबल फिगर में, 2 विकेट के नुकसान पर 13 रन। धीमा स्कोर जरूर जा रहा है, एक चौका जरूर लगाया था, गैप ढूंढ निकाला था नवाज खान की ओर में, अच्छा गैप था वहाँ पर। इस बीच यहाँ पर फिर से एक बार उसी क्षेत्र में चली गई, लेकिन इस बार वहां पर फील किया गया है, जब तक के वहां देखना वहां पर है, और गेंद आहिस्ता आहिस्ता बाउंड्री लाइन के तरफ जाती हुई वहां पर 3 रन के लिए दौड़ रहा है, और 3 रन शायद वहां पर, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद होने वाला मुकाबला आहिल एलेवन और साकिब एलेवन का होगा, शेखर एलेवन, सॉरी माजर चाहता हूँ, शेखर एलेवन। तो दोनों कप्तान से गुजारिश की जाती है कि वो यहाँ पर आके टॉस वक्त पे कराए और अपने खिलाड़ियों को बिल्कुल तैयार रखें, मुस्तैद रखें। दोनों कैप्टन यहां पर आकर नाम दे, दोनों कैप्टन जो नाम अभी वहां पर लिए गए हैं वो दोनों कैप्टन आकर अपने प्लेयर्स के नाम दे यहां पर। इस बीच एक विकेट खो दिया है यहां पर कॉट एंड बोल्ट, यहां पर स्थिति बहुत ही खराब से खराब होती जा रही, क्योंकि गेंदबाजी सामने बहुत ही। इस वक्त पुरार यानी साकिब एलेवन जो टीम यहां पर, साकिब खुद आउट होकर आए हैं यहां पर, उनके नाम से टीम को यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था। स्थिति भी अच्छी नहीं है, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में कहीं भी जाकर कुछ हो सकता है, क्योंकि अपन आमाला वेल दिला ऐसा आभार, थैंक यू वेरी मच। तीसरा ओवर है, तीसरे ओवर में रन बने हैं 3 विकेट गया है, 1 गेंदे हुई है, 4 ओवर का मैच है ये विजय सादान के लिए। इस गेंद को खेला जरूर है एक्स्ट्रा कवर्स के क्षेत्र में, जब तक वहां से फिल करके थ्रो करते, अच्छी फील्डिंग, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री से एक फील्डर आता फिल करके थ्रो करता, दोनों ने अपने अपने छोर बल दे अपना खाता खोला और टीम की स्कोर को पहुंचाया है 17 रन। तीसरी ओवर में 17 रन, 4-4 ओवर का मैच है। राउंड लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस गेंद को खेला बॉलर के सर के ऊपर से खेलना चाहते थे, फिर से एक मतलब उसी क्षेत्र में लगातार गेंद जा रही है, और दूसरा रन काफी तेजी के साथ लेना चाहते हैं, क्या दूसरा रन यहां पर, बॉडी लैंग्वेज से भी ये पता चल रहा था कि वो रन आउट करने के उतने मूड में नहीं थे, क्योंकि जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज यहां पर दिखाई दे रहा है और जिस तरह से वहां पर कीपर ने थ्रो किया वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ वहां पर थ्रो नहीं किया था, क्योंकि उनको मालूम था रन इतने जितने चाहिए थे, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में थोड़ी बहुत सी गलतियां भी बहुत महंगी पड़ सकती है। लेकिन यहां पर स्कोर हुआ है 3 ओवर की समाप्ति पर 19 रन, यानी 3 ओवर 19 रन, चौथी और आखिरी ओवर यहां पर डालने के लिए आमंत्रित किया गया है मुजीब रिफाई। तौकात बहुत ज्यादा थी यहां पर साकिब एलेवन को, लेकिन अब तक
जो है कोई जारहाना बल्लेबाजी का मुजाहरा नहीं हुआ यहाँ पर, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है यहाँ पर फलक एलिवन ने। इस मरतबा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ एक टप्पे के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इसे ड्राइव किया था जिस चीज़ की दरकार थी टीम के लिए, बटोरा है, बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला उन्हें लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाद, चार रन मिले। स्कोर हुआ है इसी के साथ जहां पहुंचा 23 रन 23। आखिरी ओवर की 5 गेंदें आना बाकी है। फिर से एक मरतबा दूसरी गेंद उसी क्षेत्र में वहां पर खेला गया, लेकिन अच्छी फील्डिंग, इस बार कोई गलती नहीं की। दूसरा रन यहां पर खतरे से खाली नहीं है और इस बार तो शायद यहां पर नहीं गलती करेंगे, बार बार नहीं, एक बार मौका मिला, बार बार नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए से और एक विकेट गया, यानी विकेटों पर विकेट जा रहे हैं, रन नहीं बन पा रहे। दूसरा चौका तो आया था पूरी इनिंग में, रन बनाओ टीम के लिए जो है वो बड़ा स्कोर करूं और इसी उम्मीद के साथ आए थे, लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी हुई है फलक एलिवन की जानिब से, बहुत ही बेहतरीन किस्म की गेंदबाजी हुई है, कोई रूम नहीं दिया ज़्यादा। ये खिलाड़ी ने कोशिश ज़रूर की थी कि कुछ स्कोर ज़्यादा बटोरे, लेकिन जो रन आउट लेने में जो उनकी गलती हो गई, उन्होंने बराबर से देखा नहीं और एक दूसरे का तालमेल नहीं होता जब आप रनिंग करते हैं, इसलिए रनिंग बिटवीन द विकेट करते वक्त आपको अपने साथी खिलाड़ियों के साथ का भी बराबर से ध्यान रखना चाहिए। अल्तमज भाई आपको मुबीन टोल फोन करने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी, वहाँ पर अच्छी गेंदबाजी, लेकिन इस वक्त रिजवान गए हैं खेलने के लिए, रिजवान मुकादम पत्रकार है, और इस तरह से यहाँ पर एक रन मिला, धीमा मैच, मैच में कुछ ज्यादा ये तो नहीं है, लेकिन देखना है। यहाँ पर स्कोर हुआ है 25 रन 25। और राइट आर्म ओवर द विकेट, यहां पर खेलना चाहते थे, विकेट मिला यहां पर शायद इमरान के, इरफान के रूप में आउट। मुश्ताक यहां पर जो आए हैं या फिर सिद्दीक बाबे, उनसे इल्तिमास है कि वो आए अपना कार्य संभाले, उनका समय हो गया है, मैं उनको दावत दूंगा कि वो यहाँ पर चले आए। और इस तरह से एक पहली इनिंग के समाप्ति पर स्कोर हुआ है 25 रन हुए 26 रनों की जरूरत है। कल इस तरह का एक मैच हुआ था, शाहीन गोरेगांव का परसों मैच हुआ था, 26 रनों की जरूरत थी, क्या वहाँ पर गेंदबाजी की थी शाहीन गोरेगांव ने, यही 26 रन आखिरी ओवर तक आए थे, बहुत मुश्किल हो चुकी थी। और उस तरह से मैं एक हमारे साथी है राजवाड़ी के मेरे पास एक जो कोविड की वजह से जो लोग यहाँ पर जो जो आहिल एलिवन के कप्तान से गुजारिश की जाती है कि फौरन आके यहाँ पे टॉस कराए, अपने खिलाड़ियों को भी तैयार रखिए, फौरन आकर यहाँ पर टॉस कराए। अल्तमज भाई एक मिनट ना, यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट आई हुई है कि जो कोविड की वजह से जो लोग यहाँ पर इंतकाल हुए हमारे हमारे इस इलाके के, हमारे गांव के, हमारे अतराफ के, हमारे भाई राजन अधिकारी, रमेश टटकरे, राजेश पानोकर, चुटके काका, प्रकाश विलहाट, नामदेव गोविलकर, लक्ष्मण बामनोलकर, यांना पण आज श्रद्धांजली आम्ही देत आहोत। जे लोक हे आमच्या सामने आहेत ना, आणि आम्ही हे लोकांना राजन अधिकारी, रमेश टटकरे, राजेश बनवेलकर, चुटके काका, राकेश वेलहार, नामदेव गोविलकर और लक्ष्मण बामणे, हे सर्वांना श्रद्धांजली यहाँ पर व्यक्त केली जातो। थँक यू। ओके ओके, कोविड में हम छोड़
छोड़कर गए जो हमारे अपने हैं, जिनके आज शाहीन स्पोर्ट क्लब याद कर उनकी मगफिरत की दुआ करते हैं, जिसमें हैं मोहम्मद अली जामदार, अब्दुल मजीद काजी, हमजा खान जुम्मल, यूसुफ खान जुम्मल, मुबीन जोगिलकर, मोहम्मद सईद करदेकर, इमरान गोटेकर, अमीन हुरजुक, मुबशिर लांबे, हुसैन मियाँ हुरजुक, अकील हुरजुक, फैसल चांडले, दस्तगीर शेख, आसिफ जुम्मल की वालिदा, आनिस काजी की अहलिया, सज्जाद जुम्मल की वालिदा, इनामदार सर की अहलिया। इसके अलावा सभी मरहूमिन के हक में हम दुआ मगफिरत करते हैं, अल्लाह पाक सभी मरहूमिन की मगफिरत करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। और यहाँ पर एक हमारे भाई का नाम रह गया था, जिनको हम श्रद्धांजलि पेश करते हैं, नितिन भागवत, इनको भी हम श्रद्धांजलि पेश करते हैं। थैंक यू। ओवर टू द सिद्दीक बाबे। बहुत शुक्रिया फैज सरखोज जी। दोस्तों लौट चलते हैं सरपंच शक गोरेगांव की रजनी क्रिकेट। असद भाई का आगमन हो चुका है। इम्तियाज लंबाड़े के लिए जो है एक गुलपोशी है, हमारे नजीर इलास्कर से दरख्वास्त करता हूँ। ये जो YouTube का प्रसारण जारी है, ये इसका उसके लिए ताउन करने वाले हमारे भाई इम्तियाज लंबारे साहब, हम इनका यहाँ तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इनका स्वागत करते हैं। हमारे भाई नज़ीर वेलास्कर उन्हें गुलदस्ता देकर उनका खैर मकदम कर रहे हैं। छोटा सा लक्ष्य रखा है फलक इलेवन गोरेगांव के सामने साकिब इलेवन ने। मी इथे आत्ताच नुसते शाहीन क्रिकेट स्पोर्ट क्लबला प्रथम क्रमांकचा मान दिला, पारितोषिक देणारे आमचे कोळपे सर इथं उपस्थित आहेत, त्यांच्यासोबत तांबे साहेब आहेत, त्यांचं मी सहर्ष स्वागत करतो, त्यांना विनंती करतो, त्यांनी व्यासपीठावरती बसायचं, आसनस्थ व्हायचं आहे। या स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी आम्हाला जे मोलाचं सहकार्य केलेलं आहे ते संतोष कोळपे सर, मंगेश तांबे सर, ग्लोबल नाईनचे सर्वे सर्वा यांना मी शाहीन क्रिकेट क्लबतर्फे सहर्ष स्वागत करतो आणि त्यांना विनंती करतो, त्यांनी व्यासपीठावरती बसायचं आहे। चंद्रकांत, तसेच आमचे नेते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते विवेक शेठ पण इथं उपस्थित आहेत, आम्ही त्यांचंही स्वागत करतोय। त्यांना रिक्वेस्ट आहे की यांनी व्यासपीठावर येऊन उपस्थित व्हा। श्री विवेकजी शेठ प्लीज। यस, नवीद को मोर्चे पे लगाया गया है, सामना करेंगे ओपन क्रिकेट के बहुत मशहूर बैट्समैन रवि आयरे। दोनों पहली गेंद खिलाड़ी, दोनों टीमों के खिलाड़ी कप्तान खास करके पे शॉट हम पुल कर दिया, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर चार रन। टॉस कराए फ्लक 11 गोरेगांव के सामने सिर्फ 26 का लक्ष्य है। और रवि है रे समीर करदेकर और जाफर ने विनंती करते विवेक शेठ जाकिर टोल कि विवेक शेठ गोरेगावतले व्यापारी यांचा आपल्या शाइन क्रिकेट तर्फे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करायचं आहे। नवीद चौके से खाता खोला, क्रीज में पीछे गए, शॉर्ट हम पुल किया, वेकेंट एरिया, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर चार रन। और ये टॉस के लिए मैं हो खड़े खड़े खेला है, स्टैंड एंड डिलीवर चार रन। कर रहे हैं, दो चौके जड़ चुके हैं, कुल स्कोर है 8। रातवड़कर जो आए उनको भी हम खैर मकदम करते हैं, उनका खुशामदीद कहते हैं। रोहित रातवड़कर टॉस के लिए जो है मैं गुजारिश करता हूं इम्तियाज लंबाड़े साहब और इकबाल ठाकुर ये टॉस कराएंगे। ये जो अभी होने जा रहा मैच है शेखर इलेवन और आहिल इलेवन के दरमियान, दोनों कप्तान यहाँ पे मौजूद है। नवीद की मानी खुशी होती है लेकिन खुशी से दूर करते हुए अपनी टीम को इस मरतबा गेंद को मोड़ दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, लेकिन बढ़िया फील्डिंग वहां पर, दो रन बनते हुए स्कोर में फलक 11 गोरेगांव इस वक्त 10 रन बिना किसी विकेट के 26 के छोटे टोटल का पीछा कर रही है। यहां पे टॉस होने जा रहा है, शेखर 11 और अहिल 11 ये टॉस करने जा रहे हैं, हमारे दोस्त भाई इम्तियाज लंबारे साहब और हमारे दामाद इकबाल साहब। ऑफिस टाइम के बहुत बार दूसरे मोहल्ले में गेंद, शेखर 11 टॉस जीत चुकी है यार, बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग करने का फैसला लिया है। अभी फैज भाई ने हमारे कुछ मरहूमिन के नाम लिए जो कोविड में हमें छोड़ के चले गए, हमारे हम वतन भाई थे
फिर हमारे अपने हमारे समाज मुस्लिम समाज के कुछ लोग थे, हम उनको फिर से एक बार उनकी मगफिरत की दुआ करते हैं। और उसी साथ उन्हीं के साथ आज हम यहाँ इस प्रोग्राम में शफीक सर, जो हमें हमेशा हर प्रोग्राम में हम उनका कोऑपरेशन रहता था, वो और उनकी अहलिया भी हमें छोड़ के चली गई, हम उनके लिए भी दुआए मगफिरत करते, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत कर। आज अगर यहाँ पे होते तो उनकी उन्हीं वही एंकर होते। रवि अहरे को रोकना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है, जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा गेंद को, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। रवि अहरे टेनिस दुनिया का बड़ा नाम है, इस मरतबा निकाल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, वाइड इश फाइनल नेक बाउंड्री के बाद। और एक ओवर में काफी महंगे साबित हुए नवीद। विवेक भाई अपन इतना आलात आपला धन्यवाद, आभार व्यक्त करतो की आमच्या ह्या छोट्याशा कार्यक्रमाला आपण उपस्थित आहात। आपलं हे सगळं जे आपण बघताय कसं मॅनेजमेंट केले आणि कसं मुलांनी आमच्या गोरेगावातल्या मुलांनी हे मॅचेस गोरेगावातली आहेत, कुठल्या एका पक्षाची या कुठल्या ह्याची नाही तर पूर्ण गोरेगावातली आहेत। तर आपल्याला इथं आल्याच्यानंतर जो मॅनेजमेंट आहे या जसं काय सजवलंय त्याबद्दल आपण 2 शब्द बोला अशी माझी इच्छा आहे। प्रथमतः ह्या आयोजकांचं पहिलं या आयोजकांचं मी धन्यवाद देतो, कारण की इथे सर्व धर्म सर्व भाव सर्व जातीय सर्व पक्षीय ह्या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये जे स्पर्धक भाग घेतात ते पण कुठल्याही जातीचे धर्माचे नाही आहेत, सर्व जातीय धर्माचे आहेत, त्याने मी धन्यवाद देतो। आणि ह्या कार्यक्रमापासून म्हणजे मी लहानपणापासून ही जी टीम आहे ती शाहीन क्लब टीम मी लहानपणापासून बघतोय, ती कायम ह्या कोऱ्यावसाठी आणि ह्या गावासाठी ते कायम प्रोग्राम करत आहेत, त्याने धन्यवाद देतो। आणि असेच कार्यक्रम राबवावे अशी आमची इच्छा आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मी इथं विकासजी गायकवाड, आमचे दादा आणि तसेच बापूजी सोनगिरे यांचंही स्वागत करतो। मी त्यांना रिक्वेस्ट करतो की व्यासपीठावर या। विवेकजी थँक्यू, तुम्ही शाइन स्पोर्ट्स क्लबच्या जे जे इव्हेंट झालेत त्या संदर्भात बोलात, तसंच त्यांनी आपण बोललात की इथं सर्व धर्मीय ह्या जो विषय आहे मतलब कुठलं तसं आपल्या देशाची ती देशातच ते विषय आहे की आपल्या इथं जात धर्म काही चालत नाही, आणि पूर्ण जगात हिंदुस्तान भारत देश असा आहे की हाच एक देश असा आहे की तिथं सर्व जाती धर्माची लोक एकत्र येऊन सगळे कार्यक्रम एकत्र करतात, चांगली गोष्ट आहे। विकासजी दादा, मी शब्बीरभाई लोखंडेंना रिक्वेस्ट करतोय की विकास दादा गायकवाड यांचं स्वागत करा। इस्मा दबा गेन को खेल दिया है पीछे। तसंच मी विनोद भाई कर्देकर यांना रिक्वेस्ट करतोय की बापूजी सोनगिरे क्रिकेट फॉर पीस अँड क्रिकेट फॉर जमीर भाऊ इथं उपस्थित आहेत, त्यांचाही आम्ही वेलकम करतो। अनाउन्सर कॉमेंट्री प्लीज। डेड बॉल का इशारा, सिर्फ कितने रन चाहिए मैच जीतने के लिए, 1 रन चाहिए। यही तो मैसेज है हमारा कि क्रिकेट फॉर पीस और क्रिकेट फॉर यूनिटी, क्रिकेट एकता अखंडता हमने के लिए। और इसके साथ ही फलक 11 गोरेगांव ने एक तरफा जीत हासिल कर ली है, कॉन्ग्रेचुलेशन फलक 11 गोरेगांव। इस मैच के मैन